गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। कल हम लोग सेवन की एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके थे। अब जब फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था रेशो वाला, उसमें अब ये सेकंड क्वेश्चन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन है क्या, क्या पूछता है। जिसे रवि अर्न रुपीज 84,000 यानी रवि ने एक साल के अंदर 84,000 रुपए कमाए, प्राप्त किए, स्पेंड किए यानी खर्च किए 63,000 ए ईयर, यानी मींस 84 प्राप्त किए और 63 खर्च कर दिए। तो बीच के रुपए कहां गए, तो बीच के रुपए उसने सेविंग कर दिए। तो हमें पहले सेविंग निकालना पड़ेगा, यानी कि अर्निंग मनी, आप स्टेप बना सकते हैं अर्निंग मनी ऑफ ए ईयर, हमने लिख दिया रवि अर्स मनी इन ए ईयर, रवि कमाता है एक साल में इतने रुपए और रवि खर्च करता है एक साल में इतने रुपए, तो रवि बचाता है एक साल में इतने रुपए, क्यों हमने अर्निंग मनी में से स्पेंड मनी को माइनस कर दिया। इतना आपको पहले करना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चन मुख्य शुरू होते हैं, रवि इनकम्स टू हिज सेविंग। अब रेशो आपको बताना पड़ेगा, यानी कि रवि इनकम टू हिज सेविंग। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं सेविंग नहीं था और इस क्वेश्चन ने सेविंग पहले पूछ लिया, तो सेविंग कहां से आया, तो सेविंग हमारा अर्निंग और स्पेंड से ही आया। ओके, अब क्या करेंगे, इनकम हमारी कितनी है रुपीज 84,000, 2 लगा है तो रेशो कल मैंने आपको पढ़ाया था, अब 21,000 हमारे पास दिए हुए हैं। तो हम जो पहले आता है इसको इस तरह 3 गिनती से 3 काट दिया, 2184 बन, तो 4:1 उसका जवाब आ गया। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, तो दूसरे पार्ट पर क्या कहता है, नंबर ऑफ सॉरी मनी द रवि सेव टू मनी स्पेंड। अब सेविंग और स्पेंड क्वेश्चन आप बता लेना, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सेविंग मनी हमारी कितनी है 21,000, अब स्पेंड मनी कितनी है 63,000, तो हम क्या करेंगे इस तरह से लिखते हैं, 0 से 0 21 किया 63 तो 1/3 आया, तो 1:3, या इसी तरह से प्रॉब्लम जैसे मैंने बनाएगा तो इसको यहां पे लाया अपना क्वेश्चन लिख देना और ऐसे इसको लिख देना, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त। अब जरा हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देयर आर 12,000 स्टूडेंट इन ए यूनिवर्सिटी, यानी एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में 12,000 विद्यार्थी है। एंड अब क्या कहता है, आउट ऑफ विच 5,600 आर गर्ल्स, जिसमें से 5,600 लड़कियां हैं, तो फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। अब आप देखो नई चीज आ गई, स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स किससे मिलकर बनते हैं, तो गर्ल्स एंड बॉयज, तो बॉयज की संख्या नहीं दी गई है, गर्ल्स की संख्या दी गई है, तो आप क्या ले जाएंगे टोटल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स की संख्या माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, जैसे कि हमने स्पेंड मनी को निकालना है। अब क्या करना है, जब आपका बॉयज आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन उतारेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमारी 5,600 है यानी 5,600 और 12,000 स्टूडेंट है, तो हम उसका रेशो निकाल लेंगे इसी तरह से।
ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन पार्ट है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बॉयज जो तुमने निकाले थे माइनस करके वो और गर्ल्स की संख्या को इस तरह रेशो करके निकाल लेंगे, तो मैं समझता हूं ये आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर रेशो, ये देखो मैं करा रहा हूं। अब विच इज ग्रेटर रेशो, कौन सा रेशो बड़ा है, तो हम क्या लिखते हैं 3:2 और 4:3, इसमें कौन सा बड़ा है, तो देखिए 3/2 जो कि आगे वाले नंबर हमने इस तरह दिया और 4/3। अब तो आप कर सकते हैं, एकदम दिमाग में आ गया होगा कि कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 8। तो आपने देखा कि पहले में 9 आया दूसरे में 8 आया, तो पहला नंबर हमारा 3/2, तो हम यहां लिख देंगे 3:2 इज ग्रेटर, अगर और जोड़ना चाहो ग्रेटर देन 4:3, तो मतलब 3:2 हमारा बड़ा निकला 4:3 से। ऐसे ही इसमें एक सी वाला क्वेश्चन है, 3 square 2 square और 3:2। हम तो पहले कह रहे थे इसमें कि 3 square 2 square बड़ा है और 3 square 3:2 से, तो कैसे बड़ा है, ठीक है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। जब 3 square है इसकी वैल्यू क्या है, 3 into 3 9 और 2 into 2 4, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन आ गया इस तरह से, तो हम अब क्या करें, 9/4 3/2 9 × 2 18 4 × 3 12। अब आप देख रहे हैं पहले नंबर बड़ा है, तो हम यहां लिख देंगे 3 square 2 square इज ग्रेटर, ओके। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है ई वाला अपॉन में, तो वो कैसे करेंगे, जैसे 1/5 1/7 और 1/4 1/9। अब आपको ये देखना है कि ये हमें कैसे करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ नहीं आप जैसे उधर किया वैसे इसको करो, 1/5 ये कर लिया, 1/7 और लगा लिया, 1/4 / 1/9। कल हमने आपको दिखाया था कि जब ये डिवाइड फॉर्म होता है तो ये नंबर क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 1 × 7 और 5 × 1, ये 5 यहां गया और 7 ऊपर चला गया, ऐसे 1 × 4 × 9 × 1। अब इनका 1 7 7 5 और 9 9, देखो आगे उसी इसी स्थिति में, अब इस स्थिति में आ गए हम, इनका वही उतना क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 4 = 28 45 बड़ा हुआ, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो गया, तो हम लिख देंगे 1/4 ratio 1/9 इज ग्रेटर। तो इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। अगले है क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट द रेशो 4/9 5/8 and 3/3:7 ऑर्डर फ्रॉम द लीएस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब छोटे से बड़ा बनाना है, अब 3 हो गए तो कैसे करोगे, लो जी भी लो, फोर 9
5:8 और 3:7। अब इसमें छोटे से बड़ा लगाना है तो बहुत सरल है, क्या करना है वही नियम 4/9, 5/8, 3/7 हमने इस तरह लगा लिया। अब हम इनका डिनोमिनेटर जो नंबर है इनको हम सेम कर देते हैं, एलसीडी ले लेते हैं। एलसीडी मींस लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब एलसीएम जो लेते हैं उसी तरह से इसका एलसीडी नाम होता है। अब इनका देखो, हम कोई किसी से नहीं कट रहा, सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 लिख जा 72 और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 2 = 14, 7×7 = 49, 504 आंसर आ गया। मींस इन तीनों के एलसीएम लिए तो 504। अब 504 का क्या करना है, 9 का डिवाइड देना, तो 9×5 = 45, बचा हमारे पास 5, 9×6 = 54, 56 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×6 = 24, कैरी ऑन 2, 4×5 = 20, 2×24 आ गया। अब 8 का डिवाइड दीजिए, तो 8×6 = 48, बचा 2, 24 होगा, 8×3 = 24, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×3 = 15, 5×6 = 13, 13×1। अब 7 का डिवाइड दे दीजिए, 7×7 = 49, बचा 1, 7×2 = 14, 72 बार, 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3×2 = 6 और 3×7 = 21। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये तीन नंबर आ गए 224, 315 और 216, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 216, तो 216 किसका था, 3:7 का, तो 3:7 क्योंकि लीएस्ट ग्रेटेस्ट बनाना है। अब आ जाओ उससे बड़ा और सबसे बड़ा, अगर वो कहता ग्रेटेस्ट टू लीएस्ट बनाते तो ग्रेटेस्ट टू लीएस्ट बना सकते थे। तो इस तरह आप इतने सवाल करेंगे और आगे हम कल पढ़ाएंगे।